नमस्कार दोस्तों, अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर सीट से सपा विधायक अखिलेश यादव, अरविंद यादव सहित 3 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है। इन 3 लोगों पर आरोप है कि मतदान के दिन 25 मई को अमूढ़ी बूथ पर चुनाव के दौरान ईवीएम से निकलने वाली पर्ची में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए हंगामा किया था। इस मामले में पीठासीन अधिकारी ने मुबारकपुर थाने में सपा विधायक अखिलेश यादव और अरविंद यादव सहित 3 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है। लोकसभा आजमगढ़ चुनाव में शनिवार को जिले के मुबारकपुर में अमूढ़ी बूथ पर हंगामा के कारण कई घंटों तक अफरा तफरी का माहौल बना था। अधिकारियों के पहुंचने पर मॉक पोल के बाद ईवीएम से सही पर्ची निकलने पर अधिकारी और कर्मचारी वहां से निकल पाए थे। बता दें कि प्राथमिक विद्यालय अमूढ़ी बूथ 83 पर 25 मई को वोट पोल रहा था। इसी बीच पोलिंग एजेंट अरविंद ने वोट देने के बाद आरोप लगाते हुए हंगामा किया कि साइकिल का बटन दबाने पर पर्ची कमल के फूल की निकल रही है, जिसे लेकर ग्रामीण विरोध में उतर आए और दोबारा चुनाव कराने की मांग करने लगे। इसकी खबर पाते ही मुबारकपुर विधायक अखिलेश यादव भी मौके पर पहुंचे, ग्रामीण ईवीएम के साथ पोलिंग पार्टी के कर्मचारियों को घेर लिया। इसकी सूचना पाते ही एडीएम प्रशासन और एसपी सिटी मौके पर पहुंचे। विधायक और ग्रामीणों से वार्ता करके मॉक पोल कराया गया, जिसमें पर्ची सही निकल रही थी। इस बारे में पीठासीन अधिकारी सुरेश प्रसाद ने तहरीर में आरोप लगाया है कि गलत सूचना देकर वोट प्रक्रिया में बाधा डाली गई। मतदाता ने गलत शिकायत की कि वह बटन दबाया तो एक साथ 2 निशान की बत्तियां जल उठी। ईवीएम को संबंधित इंजीनियर से जांच कराई तो आरोप फर्जी पाया गया। इस मामले को लेकर पुलिस पीठासीन अधिकारी की तहरीर पर विधायक अखिलेश यादव और गड़बड़ी का आरोप लगाने वाले अरविंद समेत अन्य ग्रामीणों के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 211-24, धारा 171F, 177, 120B, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 और 1988 की धारा 128 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। अधिकारी पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। अब तक की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश से। अखिलेश यादव समेत 3 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। अब तक की सबसे बड़ी खबर आप अपने रेकमेंड पे लिखें। चैनल को सब्सक्राइब